नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे देहाती सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहां पर एक मेरे पास ये मोबाइल आया है MI का, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐप हम ओपन कर रहे हैं तो यहां पर ये शो बता रहा है कि अपनी पहचान की पुष्टि करें एवं आपके गूगल खाते में आपको प्रस्थान करा दिया गया है, एंड कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं तो ये बैक हो जा रहा है। और जैसे ही हम इसको करते हैं, इसका पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम बैक चलते हैं और इस मोबाइल की जीमेल में चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहां से हमें जीमेल को या तो कॉपी कर लेना है या फिर इसकी फ़ोटो किसी अन्य मोबाइल में निकाल लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि इस मोबाइल को अब हम रीसेट करने वाले हैं एंड पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, यहां पर करने के बाद होम सेटिंग नहीं, हमें चलना है फ्रेंड्स इस मोबाइल की सेटिंग पर। और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फ़ोन के बारे में ऊपर क्लिक करना है। ये गलती से मेरा नीचे हो गया है। और फ्रेंड्स, इस पे ऊपर वाले पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है ना। तो इस वाले पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और नीचे आपको दिख रहा होगा सभी डेटा मिटा, नीचे आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा सभी डेटा मिटाएं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और इसका पैटर्न डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इसका पैटर्न यहाँ पर डाल लेता हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट, आपके MI फोन में इससे सभी डेटा मिटा दिया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला चरण 4, 3, 2 और 1, और इस पर हम ओके कर देते हैं और अगला पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स हम अगला पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन देने लगता है कि सुनिश्चित करें कि सभी महत्वपूर्ण आइटम का बैकअप आपने अपने कंप्यूटर में ले लिया है और रीसेट के दौरान इस डिवाइस में मौजूद सभी डेटा मिटा दिया जाएगा। तो इस पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा मोबाइल जो है यहाँ से ऑफ होने लगता है। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन यहाँ से फ्रेंड्स ऑफ हो रहा है और ये यहाँ पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ओपन भी होने लगता है। ये यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पर 100 होने के बाद फ्रेंड्स ये फ़ोन फिर से यहाँ पर ओपन होने लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल रीसेट करने के बाद फ्रेंड्स इसका पूरा अकाउंट भी बनाने वाला हूँ आप सभी के सामने, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है MIUI, ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओपन होने लगता है और यहाँ पर ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपको बताने लगेगा कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अंग्रेजी है इंडिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और इसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हल्का सा टाइम लेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया है फ्रेंड्स। जो भी अनुमति मांगे आप दे देना, ठीक है ना फ्रेंड्स, और कुछ करना नहीं है वहाँ पर, ओनली अनुमति आपको दे देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम आगे बढ़े पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो ना करें और सीधे डायरेक्ट आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हल्का सा टाइम लेगा और हल्के से टाइम के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था वो जीमेल या फिर फ्रेंड्स हमने वो वहाँ पर फोटो निकाला था तो उसको हमें यहाँ पर डाल देना है और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आ रहा है, कोई अन्य तरीका अपना यहाँ पर ये सीधा डायरेक्ट आ रहा है कि इस नंबर पर कोड भेजें। और जैसे ही फ्रेंड्स मैं कोड भेजे पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोड उस नंबर पर आ जाएगा और ये यहाँ पर बता रहा है कि फ्रेंड्स पासवर्ड बना है, मतलब कोड आ चुका है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड ही बना लिया है फ्रेंड्स, आप भी अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स आप आगे हाँ ठीक है पर करते हुए आगे चलते चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैं सहमत हूँ और जैसे अपन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हमें चले चलना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम फिर से लेगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता बट फ्रेंड्स मैंने बहुत सा वीडियो स्किप कर दिया है क्योंकि फ्रेंड्स इतना लंबा वीडियो हम नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा देखे पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपको मंजूरी दे देना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप मंजूरी दे देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये फिर से आ जाएगा कि बस एक सेकेंड, ऐसे कर करके फ्रेंड्स ये हमारा बहुत सारा समय भी बर्बाद कर दिया है। हमको पता है फ्रेंड्स कि आपका भी समय बर्बाद हो रहा है जैसे कि मेरा हो रहा है फ्रेंड, बट हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चालू करें पर हम क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर चालू करें पर जैसे हम फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है अगला। अब हम इस पर अगला पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं सहमत हूँ और यहाँ पर आपको बोलना है ओके गूगल।
फिर एक बार फिर से बोलना है ओके गूगल, फिर एक बार फिर से बोलना है आपको ओके गूगल, ठीक है। और थ्री स्टेप में फ्रेंड्स आगे आपको बढ़ जाना है, और ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया और आगे बड़े पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आगे बड़े पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है जी नहीं धन्यवाद पर आपको नीचे क्लिक कर देना। अब फ्रेंड्स मुख्य चीज़ यहाँ पर आती है खाता, ठीक है। गूगल खाता पर फ्रेंड्स हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी MI खाते का, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको गूगल खाते पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक खाता बनाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं बैक ले लेता हूँ। यहाँ पर खाता बनाए पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा क्रिएट खाता, ठीक है। नीचे और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि खाता बनाए, ठीक है। अब इस पर मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पर हमें चॉइस कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है जो हमने अकाउंट अभी बनाया, मैंने बना लिया, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर आ गया है कि नाइक नेम जो भी आपको डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और समझ गया पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अनुमति दे देता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फुल समझा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा होने वाला था जिस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं। एंड यहाँ पर हम अपना कोई भी एक लॉग डाल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर पैटर्न डाल लेता हूँ जो मैंने पहले था मेरा, ठीक है। तो वही पैटर्न मैं यहाँ से फिर से डाल देता हूँ जिस बंदे का मतलब मैंने मोबाइल ले लिया था ठीक करने के लिए, तो मैं मतलब वही पैटर्न 2-3 बार डालता हूँ तो यहाँ पर ये सक्सेस हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम बताने क्या वाले थे, सहमत हूँ पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर कोई भी सेटअप पूर्ण हुआ आपके सामने देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो सेटअप था वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। ऐप्स लोड हो रहे हैं। अब क्या हो रहा था फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी ये आ रही थी कि मैं जैसे ही गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर रहा था तो वो बैक हो जा रहा था। अब मैं उसी गूगल पे को आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि हमारी प्रॉब्लम रिसेट के बाद भी सॉल्व हुई है कि नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करूँगा अब, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, और फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करूँगा, और प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हल्का सा समय लेगा, यहाँ से मैं अपना वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला हूँ गूगल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका बिल्कुल भी खाता ठीक हो चुका है, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। आप लोगों का ठीक हो चुका है, टेंशन ना लें आप। तो यहाँ पर मैं गूगल पे पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे इंग्लिश कर लूँ पहले, फिर यहाँ पर मैं गूगल पे एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप सभी को पता है। तो यह पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड है, तो यहाँ पर ये वाईफाई कनेक्शन ऐसा कुछ बता रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा गूगल पे यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ आप सभी के सामने, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिल कर लिया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ, आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आ गया है आगे बढ़े, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आने वाला है, ठीक है। ये पूरी तरीके से बैक हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम न्यू खोल रहे हैं ना मोबाइल, तो इस वजह से ये यहाँ पर बैक हो गया, ऊपर यहाँ पर मैसेज आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से वही मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से बैक हो गया, टेंशन नहीं लेना है हमें, फिर से यहाँ पर डालना है और आगे मतलब क्या जारी रखने पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पैटर्न डाल लेना है। मैं जैसे ही पैटर्न डाल लेता हूँ फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा गूगल पे यहाँ पर खोल ओपन हो गया है, और यहाँ पर मैं आपको बैंक खाते में पैसे चेक करके बताने वाला हूँ, जो कि पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है UPI पिन गलत है, फिर से डाला मैंने तो यहाँ पर 428 रुपये सो हो गया फ्रेंड्स। तो आपकी प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व हो गई है। कोई भी समस्या आती है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।